बीते कुछ दिनों तो अजनाला एक लंगूर ने लोगों के नक् दम करके रख्या होया है। हाल यह है कि लोग हुण अपने बच्चों घर दी छतां ते कले नहीं जान दिंदे अते जेकर कोई व्यक्ति उस लंगूर नूं डंडे या फिर किसी होर चीज़ नाल डराउण दी कोशिश करदा है तां लंगूर उस ते टुट के पै जांदा है। इस संबंध में अजनाला के लोगों ने दसा कि बीते कुछ दिनों तो लंगूर लोगों को तंग कर रहा है और उसका आकार इन्ना बड़ा है कि हर कोई उस तो डर रहा है। उन्होंने दसा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बच्चे भी घर में ही रहते हैं और छत से खेलते हैं जो कि हुण बहुत खतरनाक है, इसलिए वो प्रशासन तो मांग करते हैं कि जल्द तो जल्द इस लंगूर को काबू किया जाए ता जो भविष्य के कोई भी घटना ना घटे। दो तीन दिन हो गए इतने आए नी नाले सब तो पहला इधर हस्पताल टेंशन से देश आया मुड़के साढ़े घर आया तो न्याणे जो न्याण में पता नहीं है छोटे छोटे बच्चे है वो घड़ी मुड़ी वेखन जाते हैं तो जो किसी पैगा कोई नुकसान भी हो सकता फिर जिम्मेवार कौन हो सकता। अही कहने कि इन जल्दी तो जल्दी काबू करके जो जिते भी खड़ना लै जाओ नुकसान हो सकता कभी कितने फिर कभी कितने फिर घर कोठियाँ टप टुप के जाते पता नहीं कितों आ गया लागे एक लंगूर पिछले दो या तीन दिन तो घूम रहा वा ये पहाड़ी इलाके च मैं लगता कि ट्रक ट्रुक के उत्ते बह के आ गया वा क्योंकि रमदास अं पता पुता किया कहते उधर मतलब लंगूर रेंदे नहीं उधरों तो आया नहीं पहला पिछले तीन क महीने रमदास भी भजा फिरता दिखाई दिता ही उत्तों बाद तीन दिन चार दिन हो गए इतने नाले के घर के लागे लागे रह रहा वा साड़ी ये मंग है सरकार वालों की कोई भी चुकन वाला जो कोई हैगा ताड़िया नज़रों के जिस तरह भी कोई फड़न फुड़न वाले आते जानवर प्लीज़ इतों इन्हों इनू चुकाया जाए क्योंकि अं बच्चों के कोलों बहुत तंग मतलब बच्चे ना कोई चुक के लै दे कोई छत मारना ला दे या साडे मतलब कोई जान को नुकसान ना दे जन लंगूर बारे कि प्रशासन मांग करते हैं कि इनू जल्दी तो जल्दी फड़िया जाए क्योंकि ये उपर बच्चे कई बार छतों पर भी खेडते हैं नुकसान पहुँचाएगा किसी को कोई जानी मानी नुकसान ना हो जाए इस करके प्रशासन अगे बेनती करते हैं कि इनू ठल पाई जाए। हाँ जी की कहना चाहते हाँ जी की कहना चाहते हाँ जी वेखो जी कहना चाहते असी इस तरह के इस जगह देते अजनाले दे दर्शनगर च भी आ लंगूर बहुत दिनों का इतने तुरै फिर जी तो साड़ी मंग ये वा कि उसनु पकड़ के तो होर किसी जगह पर छड़ के आया जाए कि मतलब कि बाहर किसी बच्चे का नुकसान ना हो सके ये साड़ी बेनती है साढ़े मतलब कि मसला हल होना चाहिए। जद भी मतलब इस तरह छतों पर भी चढ़ता जे टांचियों पर चढ़ता टांचियों के वड़ के पानी भी मतलब कि खराब करता टांचियों का तो फिर जो कोई भी इंसान गांह अगे जाता तो वह फिर मतलब अगों पा वा बच्चों भी कुछ कह मतलब पै सकता वा बच्चों का भी कोई व्डे जो इंसान गांह होंगे ने उन्होंने भी पैंता जे तो इस करके साड़ी बेनती है कि इसमें मतलब जिस तरह भी मसला हल हो सकता है होना चाहिए। इस संबंधी जो वन विभाग के अधिकारी हरजीत सिंह गलबात की तो उन्होंने दसिया कि उन्होंने किसी ने फोन करके दसिया है कि अजनाला के लंगूर देखा गया है और उन्होंने वालों लंगूर को फड़न लई पिंजरा लगाया गया है और जल्द ही उसनों काबू कर लिया जाएगा। उस संबंध से सानूं पता लगा तो अं पिंजरा लिया के लाया वा तो उन्होंने फड़न की कोशिश कर रहे हैं जो फड़िया गया तो उन्होंने रेस्क्यू करके तो एयरपोर्ट जंगल कमालपुर के छड़ता जाएगा ये जंगलों चु आ जाते हैं हो सकता कि ट्रक ट्रुक वाले ने लैके आ गया हो तो फड़ के छे छड़िया हो। आवाजकॉम टीवी अमृतसर तो ललित शर्मा की रिपोर्ट।